नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। चौबेपुर थाना क्षेत्र में होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आज समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने चौबेपुर के पाठकपुर गांव निवासी किस्मत अली पुत्र बाबू अली के साथ व इनकी पत्नी जो कि बीडीसी है उनके साथ व पति के साथ जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट व समर्थन देने के लिए कहा। जब बीडीसी के द्वारा मना किया गया कि मेरा जहां मन होगा वहां पर वोट डालेंगे और समर्थन करेंगे, उसको लेकर गांव के ही 40 से 50 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर क्षेत्र पंचायत सदस्य महिला व उसके पति के साथ मारपीट की गई, जिसमें किस्मत अली का हाथ टूट गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। कहाँ रहते हैं, क्या है आप? आप क्षेत्र पंचायत सदस्य आप ही हैं? हाँ। क्या घटना क्या हुई आज? घटना क्या हुई, हम लोग चाय पी रहे थे और चाय पीने से इनको जबरदस्ती खींच लाए बाहर, मारने कूदने लगे, कहने लगे वोट जिसको हम पाएंगे उसको देंगे। तो हमने कहा नहीं, हम जिसको मर्जी होगा उसको हम वोट देंगे। पसीने में लाठी डंडा चलाने लगे, जब हम बचाने लगे तो हमको पकड़ के पटक दिया और सर पटा सब कपड़े वपड़े फाड़ दिया। कौन सी पार्टी के लोग थे वो लोग? सपा के। ये लोग गांव के हैं कि कहीं बाहर से? यादव लोग गांव के हैं। चाय वाय पी रहे थे तो बीडीसी को लेकर के गांव के यादव लोग जो कि तकरीबन 50-60 लोग थे घर में घुस गए और लाठी डंडों से मारे पीटने और कहा कि जहां हम कहेंगे वहां जो है वोट देना है, और डंडों लाठी से मारा तो हमारा हाथ टूट गया है। हमारी औरत जब बचाने लगी तो उसको बाल पकड़ के पटक दिया, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तो बीडीसी आपने क्या? हमारी वाइफ है। जी हाँ, हमारी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो कौन सी पार्टी थे वो लोग? सभा के लोग थे। क्या कह रहे थे कि वोट हमको दो? जी जबरदस्ती वोट। हाँ, जबरदस्ती जहाँ हम कहेंगे वहाँ वोट दो। तो तुमने क्या कहा, तुम किसको देना चाहते थे वोट? हम मतलब जो है हमने कहा हम जिसको सपोर्ट करेंगे उसको करेंगे, उनसे कहा मतलब है। हाँ, मारने पीटने लगे। कहा तुम्हारा बेटा? डंडा लाठी से मारा पीटा।